हेलो बच्चा, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? कैसे हो सारे के सारे? कहाँ गए? और बच्चा कैसे हो सारे? यस, हेलो एलियाना, हेलो साक्षी, एलिजा, सोनिया, शेर सिंह, काफी कितना खुश हुआ है शेर, ये बता। पलक, पंकज, पल्लवी, दीक्षा, अंकिता, दिव्यांशु, कैसा है बच्चा इलियाना? वेयर वर यू? हाँ दीक्षु, कहाँ थी बेटा तुम? दिव्या, सूर्यांश, रजनी मैम को मेरा क्या है, थोड़ा टाइम लगा मुझे वो बड़ा शब्द पढ़ने में। हेलो बच्चा रस्टी, अंकिता, रस्टी क्या हो गया, क्यों इतना सैड दिख रहा है भाई? पंकज, हेलो बच्चा पंकज। शेर, शेर देखो मतलब हमेशा ही हाइपर एक्टिव रह रहा है। आप कैसे मैम? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया हूँ मैं। तुम लोग बताओ कैसा रहा तुम लोगों का संडे? और बेटा ये रस्टी इतना दुखी क्यों है, पहले मुझे ये बता। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, आप कैसे हो बच्चा? एकदम औसम। तुम लोग बताओ कैसे हो सारे? तो यहाँ पर तुम लोगों ने स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर कहा था, तो इसको जल्दी मैम मैं हैप्पी रहता हूँ। अच्छा जी शेर सिंह, समझ गए हम, आप हैप्पी रहते हो। मैम मेरा नाम छोड़ के सबका नाम लेते हो? अरे बच्चा मंजीत, तेरे को तो ने स्टार्टिंग में बोला था। अंकिता मस्त, सुहानी, सूर्यांश, प्रणाम को स्वीकार करिए इस बांदर का। बिल्कुल बच्चा स्वीकार किया। संडे बोरिंग डे होता है मैम, क्यों भाई ऐसा क्यों, बोरिंग डे क्यों होता है जल्दी बताओ मैम। मैं हैप्पी रहता हूँ, हाँ बिल्कुल हैप्पी रहना चाहिए। हाउ आर यू? आई एम गुड बच्चा। दीक्षा कैसे हो तुम, ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करते हैं अब स्टार्ट चैप्टर। सुबह नहीं आई मैम आप, कट्टी? अरे बच्चा सुबह मैं इसलिए नहीं आई, थोड़ा सा कुछ कभी कभी टेक्निकल ग्लिशेस हो जाते हैं तो इसलिए, ठीक है, वरना हम आने वाले थे सुबह भी। मैम लव यू ऑल बच्चा, हैप्पी डे। ओके तो हैप्पी था, ठीक है रस्टी, अब खुश हो जा बेटा, ऐसे ऐसे सैड मूव मत भेज। कल का दिन बहुत खराब था मैम, क्या हो गया बच्चा मनजीते, इतना दुखी क्यों हो रहा है? सूर्यांश, आपकी आपका स्वास्थ्य कैसा है? एकदम चकाचक। तुम बताओ तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मैम लव यू ऑल बच्चा। पंकज आज संडे थोड़ी है। हाँ एलिजा, आज मेरे पापा की 2 साल की ओके बच्चा एलिजा, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वैष्णवी, हाउ यू मैम बच्चा? आई एम सो गुड। तुषार, पल्लवी, मंचीत, 300 रुपए हार गया। अरे भाई क्या जुआ खेल रहा है क्या नलायक? मैम मेरा नाम भी बिल्कुल बच्चा दिव्यांशु। बख्शीश कैसे हो बच्चा? तुषार कैसे हो मैम? मैं गुड बच्चा, आप बोलती हो तो खुश हो गया। ठीक है तो चले आगे, टी शर्ट दिलवा दो बस। हाँ बिल्कुल टी शर्ट, तू आ जा दिल्ली, तेरे को मैं ही दिला देती हूँ टी शर्ट यहाँ पे। ठीक है कैसे बच्चा? आई एम गुड। ठीक है तो चलो मुझे भी मैम, बिल्कुल सीमा, साक्षी, दीक्षा, बख्शीश, चलते हैं बेटा अब आगे। मैम आईपीएल में पैसा लगाया होगा? हाँ हाँ पता, समझ गई थी मैं इसकी। ये ऐसे देखो ऐसे काम भी करता है ये नलायक। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, कौन जीता कल, ऐसा किसके ऊपर तूने मैच फिक्स करा था नलायक? थोड़ा सा ग्राफ वगैरह देखना चाहिए ना जब फिक्स कर रहा है, और ऐसे गंदे काम करता है तू, बता। मैम आप कहाँ रहते हो बच्चा? कहाँ रहते हो? दिल्ली में? ठीक है तो मैं बिल्कुल बता दूंगी, जब मिलने आओगे तो मुझे मुझे मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी कहाँ मिलना है। आई एम मिसिंग 2 मॉड्यूलर क्लासेस मैम। बच्चा मॉड्यूलर क्लासेस बिल्कुल आऊंगी मैं दोबारा। वी आर ब्लेस्ड टू गेट अ नंबर वन टीचर हु टीचेस फुली विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट बच्चा पलानी। हाउ आर यू तन्नू, वैष्णवी, पंकज, के आर जीता मैम। अच्छा शेर, मैम मैं कल आ रहा हूँ, बिल्कुल आ जा फिर तू। मैम एड्रेस बेटा, बिल्कुल एड्रेस में भिजवाएंगे, पहले आओ तो सही। मेरे जैसा मासूम पर सब आरोप लगा रहे हैं। अच्छा जी मंजीते, हमारा टीम CSK। ओके मैं आऊंगा मिलने, बिल्कुल बच्चा लव यू। चलो फिर करें स्टार्ट, बख्शीश आई एम ग्रेट, लेट्स स्टार्ट टीचर। यस बच्चा चलो फिर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आते हैं सीधे मुद्दे पर, ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों ने इसको 1 घंटे से पहले कंप्लीट करना है पूरा स्ट्रैटेजी, समझे? तो बच्चा यहाँ पर दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम रुकने नहीं वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले एक एक लाइक जल्दी से तो बनता है, ठीक है, इस वीडियो के लिए अपनी प्रेजेंस को मार्क करो, एक एक वीडियो को एक एक लाइक तो जरूर करो, ठीक है। और यहाँ पर जो है बच्चा नीट और बोर्ड दोनों के लिए ये चैप्टर है, और हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर मैंने नीट और बोर्ड्स के लिए अब जितना भी चीजें चलेगा दोनों के लिए चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स जो तुम लोगों ने कहे उनको बिल्कुल अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है।
तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री आज स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड दो पार्ट में डिवाइड है, एनिमल हस्बेंड्री प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। आज पूरा एनिमल हस्बेंड्री जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें है। उससे पहले जल्दी से स्कीम बताती हूँ, वोट के बारे में रट गया होगा, है ना। तो बच्चा वोट क्या है, लाइफ फ्री एग्जाम वी ऑलरेडी नो, यहाँ पर 11 अप्रैल कल तुम लोगों ने दिया था एग्जाम के नहीं दिया था, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर लिख दो हैशटैग वोट, ठीक है। तो जिसने दिया लाइक कर दिया मैम, ओके बच्चा, ठीक है। तो चले आगे, जल्दी बताओ बच्चे। तो यहाँ पर देसी काउ इज बेस्ट देन, अच्छा जी यहाँ पर देखो बिल्कुल होल्स्टीन से और जर्सी से अच्छी होती है देसी काउ, बिल्कुल कोई बात नहीं। हमने देसी काउ का भी एक समाधान निकाला है भाई, देसी विदेशी काउ की एक नई ब्रीड निकाली हमने, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे दूध निकाल रही है गाय का। तो बस हम इस चैप्टर में गाय भैंसों के बारे में पढ़ने वाले बच्चा, तो तैयार रहो सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद 11 अप्रैल को दिया सबने एग्जाम, यस। तो चलो बच्चा एक 18 को बच्चा है 3 बजे दे देना उस एग्जाम को। फायदा क्या है बता चुकी हूँ, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर गारंटेड स्कॉलरशिप है, बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले, एक दिन के लिए सीईओ बनने का मौका, एकदम अनिल कपूर वाली सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने वाली है ना, और अमेरिका जाने का मौका भी बेटा। उसके बाद ड्रोन्स, टेलीस्कोप, लैपटॉप सब यहाँ पर डेली क्विजेस में मिल रहे हैं। जीत रहे हैं बच्चे, तुम लोगों ने कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है बच्चा क्या है, अच्छा गाय है, मुझे लगा भैंस है नलायक। उसके बाद देखो वोट कैसे करना है, हमें पता है रजिस्टर करना है बच्चा, वोट की डेट अब एक ही बची है तो उसको सेलेक्ट कर लेना। ऐप को डाउनलोड करो जिसमें वोट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है बच्चा इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, जैसे उसको क्लिक करोगे वैसे पहुंच जाओगे रजिस्टर फॉर वोट के लिए, और बेटा वोट के लिए रजिस्टर कर लो, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड, 11वीं का जो सिलेबस है वो बहुत बार बता चुकी हूँ, दे हैव लाइक 90 क्वेश्चंस, 22 फिजिक्स, 22 केमिस्ट्री, 46 बायोलॉजी से, +4 मार्क्स मिलेंगे सही पर और -1 काट लिए जाएंगे गलत आंसर पर। 90 मिनट का बेटा टाइम होगा तुम लोगों के पास, और 90 मिनट में टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे से और आंसर देने हैं, ठीक है। 12th के लिए 180 क्वेश्चन होंगे, ये पैटर्न है बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, +4 मार्क्स मिलेंगे सही पर, -1 काट लिए जाएंगे गलत पर, 180 मिनट होगा बच्चा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। स्क्वाड, यस अपना फ्रेंड सर्कल एक बना सकते हो, उसमें मैंने स्कीम बताई है कैसे कैसे फ्रेंड्स को रखना है उसमें, जिसमें बहुत सारे कॉइन वो जीते और गिफ्ट्स मिल जाए सबको, ठीक है। तो बस ऐसी पबजी वाली फीलिंग के साथ बिल्कुल आ जाओ यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर नीतीश भी आ गया, नीट फॉर्म आ गया मैम, ओके। तो बच्चा नीट फॉर्म आ चुका है, उसको फिल कर लेना है ना। रियली टीचर यू लुक लाइक माई एल्डर सिस्टर, ओके। तो बिल्कुल अब अपनी एल्डर सिस्टर ही समझो मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को हक से, तो जो प्यारे प्यारे आज नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है हक से। स्टेप टू बेटा बेल आइकन दबा दो, ऑल कर देना जिससे सारे नोटिफिकेशन आते रहे। टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप जिसने बेटा अब तक ज्वाइन नहीं करा कर लो, सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है और क्विजेस भी होती है बेटा, वेदांतु टी शर्ट जीतने का मौका, ठीक है। उसके बाद बेटा करना कैसे, इस वीडियो के नीचे ऐसे डिट्टो डुप्लीकेट लिंक दी होगी, जैसे उसको क्लिक करोगे वैसे टेलीग्राम लिंक पर वैसे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, वहां पर ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को, ठीक है। तो चलिए जी आज का स्केड्यूल है ये, और आज जो है देखो बॉटनी की क्लास है, उसके बाद फिजिक्स की क्लास है, उसके बाद यहाँ पर मीनाक्षी मैम की क्लास है, ठीक है, जूलॉजी। उसके बाद देखो अंशु मैम की क्लास है, फिर हमारे केमिस्ट्री सर की क्लास है, फिर हमारे अरविंद सर की क्लास है। तो ऐसे बस क्लासेस लेते रहो तुम लोग, है ना। तो बच्चा देखो यहाँ पर जो है एनिमल हस्बेंड्री अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीधी बात पर पहुंच गए, नो बकवास, ठीक है। तो चले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा शेर, ठीक है, एसएसपी को भैया बना लिया राव, आपको आपको सिस्टर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। हाइड्रा गौर, कबीर सिंह भी आए हैं, ठीक है। बेस्ट काउज आर मिर्च साहिवाल, यस बच्चा मिर्च काउ और सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पर एनिमल्स को यूज किया जाता है, उनको रियर करते हैं, उनको ब्रीड किया जाता है, उनकी केयरिंग करी जाती है जिससे हम उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकें। देखो हमारा ना हमेशा इंसान जब कुछ ऐसा कर रहा होता है ना, समझ जाना वो अपने फायदे के लिए कर रहा होता है ना। तो लाइफ स्टॉक क्या होते हैं बच्चा, अपने प्रॉफिट के लिए जब हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, जिन एनिमल्स को उनको लाइफ स्टॉक बोला जाता है। और लाइफ स्टॉक क्या क्या होते हैं, ऑब्वियसली बफेलोज होते हैं, काउज होती हैं, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट, हमें पता है भाई ये आज से नहीं बहुत टाइम से पाले जा रहे हैं, क्योंकि इनसे मिलता है
फायदा। हेलो बच्चा विनीता, ठीक है। तो यहां पर मिलता है इनको बहुत सारा फायदा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। तो हम यहाँ पर रुके नहीं, ये नहीं कि गाय भैंस पाल के खुश हो जाओ, नहीं बेटा, हमने कहा हम तो मछली भी पकड़ेंगे और उनको भी खाएंगे। तो लो जी, मछली पकड़ी, और मछली को सिर्फ खाएंगे नहीं, उसके हर एक चीज को यूज किया जाता है अलग अलग फंक्शन के लिए, है ना। उसके ऑयल को भी निकाल लेते हैं, उसकी लिवर ऑयल को निकाल लेते हैं। उसके अलावा उसमें एक फैट होता है, ओमेगा फैट। मैक्रेल एक फिश है बच्चा, उसमें काफी ओमेगा फैट होता है, जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पज के लिए, है ना। उसके बाद कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है उसको। उसके अलावा यहाँ पर फिशरीज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, खा ही रहे हैं। उसकी स्किन को भी फेंकते नहीं है, उससे भी बैग बना लिए, उससे भी प्रोडक्ट बना लिए। तो समझ रहे हो कि यहाँ पर एनिमल्स की तो लगा दी हमने अच्छे से, है ना। हाँ, पिटाई, अरे बेटा हर्ष कैसा है तू, ठीक है, पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे चल रही है पढ़ाई हर्ष? एलियाना, चाइना एंड इंडिया, यस बच्चा, सो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, फिश को, शेल फिश को, ठीक है, यहाँ पर सेलफिश नहीं, शेल फिश, ठीक है। उसके बाद क्रस्टेशियन को हम पालने लगे, है ना। तो ये सारा जब इनको पाला जाता है, इनको एक्वा कल्चर बोला जाता है। तो एक्वा कल्चर मतलब रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक्वा कल्चर क्या होता है बच्चा, जल्दी बताओ। रियरिंग केयरिंग करी जाती है एक्वेटिक प्लांट की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन फिशरीज में सिर्फ मछलियों को पाला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स सबको पाला जाए, तो दैट इज एक्वाकल्चर। तो फिशरीज और एक्वाकल्चर में काफी डिफरेंस होता है। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब बर्ड्स को पाल रहे हैं मीट के लिए और किसके लिए, एग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इतने सारे एनिमल्स को हमने पालना शुरू करा। सिर्फ एनिमल्स कैटल्स को ही नहीं, हमने चिड़ियाओं को भी, बर्ड्स को भी पालना शुरू करा, और मछलियों को भी नहीं छोड़ा। तो सबको, प्रॉन्स और एक्वेटिक प्लांट्स भी खाने लगे, एक्वेटिक एनिमल्स भी खाने लगे, तो छोड़, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको खाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हो, इंसान कतई आतंकवादी हो रहा है, सबको ही खाएगा पकड़ कर, है ना। तो कुछ कुछ इंसान का तो तुम लोगों ने सुना भी होगा, कैनिबलिज्म भी करते हैं वो। कैनिबलिज्म मतलब अपनी स्पीशीज को खा जाते हैं। वो निठारी कांड वाला केस पता है सबको, कौन सा हुआ था? तो मतलब इंसान को मौका मिले तो भाई वो अपने, क्या बोलते हैं, अपने पड़ोसियों को भी खा जाए। तो देख रहे हो, कतई भयंकर हो रहे हैं ना। अब इंसान को पालना बाकी है, नहीं बेटा वो तो पाल चुके हैं और खा भी चुके हैं। तो देख रहे हो, मतलब इंसान ने किसी को नहीं छोड़ा, अपनी स्पीशीज को भी नहीं छोड़ते ये लोग, है ना। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पर सिंस टाइम इमेमोरियल मतलब जब इमेमोरियल मतलब जब हमें याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बातें हैं कि हम भूल चुके हैं, तब से हम एनिमल्स को पाल रहे हैं। तो बीस को भी देखो, मधुमक्खी को भी नहीं छोड़ा हमने, है ना। सिल्क वर्म को सिल्क के लिए पकड़ा, प्रॉन्स क्रैब्स को खाना शुरू करा, फिशेस, तो मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे बेटा, यहाँ पर सबको पाल लिया। कहा कि आ जाओ बेटा, पालतू बन जाओ हमारे, और वो भी जीभ हिलाते हुए पालतू बन गए हमारे, है ना। तो बेटा समझ रहे हो कि सबको यहाँ पर इंसान ने बना लिया अपना पालतू, उनको बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों में फंसा कर, और क्या कर दिया, यहाँ पर पाल लिया है, ठीक है। उसके बाद 70% जो लाइव स्टॉक होते हैं, इंडिया लाइव स्टॉक है बच्चा, जो वर्ल्ड के, वो इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। 70% जो लाइव स्टॉक होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो वो क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर इंडिया और चाइना से मिलते हैं। लेकिन बेटा एक बहुत बुरी बात है, पता है क्या है, कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन इनका है, सिर्फ वर्ल्ड का 25% ही प्रोडक्शन ये देते। तो देख रहे हो कितना खराब मैनेजमेंट है इंडिया में। तो इंडिया और चाइना में 70% कैटल है, लेकिन प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 25% दे रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है बच्चा, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी, है ना, लो है। सो हेंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, तो जो एनिमल ब्रीडिंग के पुराने तौर तरीके हैं, मतलब जिस तरीके से गाय भैंस को पाला जाता था पुराने टाइम में, मतलब कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस करी जाती है, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो बेटा हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चाहिए, है ना। ये देखो कह रहे जोरों का गुलाम नलायक आकाश, देखो कहां कहां से ऐसी टर्म्स उठाकर ला रहे बच्चे, है ना। तो बच्चा यहाँ पर जो वर्ल्ड की फार्म जो है प्रोड्यूस कर, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 25% है, मतलब कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, वो सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो बेटा हमें नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो बच्चा हुजने, कहाँ है तू आजकल, आर यू फाइन,
हाँ ये देखो जरा जोरू, जोरू का बैल भी तो होता है, कतई कतई चालाक बन रहे थे, हाँ कतई चालाक बन रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चा, अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सो वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी। अब हमने कहा बेटा जब टेक्नोलॉजी इतने एडवांसमेंट करी लिए तो उसको यूज भी तो करो, है ना, तो खाली क्या दिखाने के लिए करी है। तो भाई हमने सोचा कि चलो बेटा टेक्नोलॉजी भी लेकर आओ। तो जो हमने इंजेक्शन मारे इन लोगों के, जो हमने इंजेक्शन मार मार कर इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, ये भी कह रहे होंगे ओ मोरी मैया क्या हो गया ये, ठीक है। तो मतलब देख रहे हो कतई जीना आराम कर दिया हमने जानवरों का, तो मतलब इंसान इंसान का तो कर ही रहा है, जानवरों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। क्या है मैम, मेहंदी लगाई थी ठंड में और हेयर में, ओहो हो, देखो कतई मेहंदी लगा के बच्चे एकदम स्टाइल में है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चा डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम सबसे पहले देखते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उन एनिमल्स को पाला जाता है जो मिल्क हमें देंगे, उसके प्रोडक्ट्स हमें देंगे, जिससे कि हम उसको खा सके, उसको मार्केट में बेच सके। तो देख रहे हो इंसान जो है वो इनको मीठी मीठी बातों में फंसा कर पूरा का पूरा जो है इनका प्रोडक्ट चूज गया, बेचारों के बच्चों के लिए दूध नहीं हो रहा और इन्होंने सब जब सब निकाल डाला, सब निचोड़ डाला उनसे, है ना। तो मतलब इंसान ना छोड़ेगा बेटा किसी को, है ना। उसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या है, वी डील विद द प्रोसेसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पर डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरा का पूरा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ पालतू बना दिया बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चे मिल्क प्रोडक्शन जो है प्राइमरी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है यील्ड के ऊपर कि कितना प्रोडक्टिविटी होगी हमारी, ठीक है। तो सबसे अब यहाँ पर कैसे अच्छी ब्रीड को चुना जाए, तो बच्चा जब हम फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम अच्छी ब्रीड को चूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छी ब्रीड क्या होती है भाई, बता दो जरा मुझे। मैम आप क्या है भड़का रहे हो, अरे भाई काहे भड़का रहे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास में बहुत मजा आती है, व्हाई डू वी यूज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैम। बच्चा प्रातिक बिल्कुल इसका मैं आंसर दूंगी, थोड़ा सा ठंड रख मेरे प्यारे बच्चे। मैम कभी कभी स्टडी के अलावा इंजॉय भी करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुजने, बिल्कुल ये तो एकदम क्या बोलते उसको कंपलसरी है भाई, बिना इंजॉयमेंट के जिंदगी कैसे चलेगी। इंडियन काउ ब्रीड आर बेस्ट ब्रीड, हाँ देखो किंग जॉन ही है क्या ये, हाँ किंग जॉन ने दिल पर ले लिए बात, उसने कहा बेटा देसी का यूज करो, विदेशी का बहिष्कार करो, ठीक है। तो बेटा मेरे इतना सेंटी मत हो, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तेरी अभी खुशी के लिए ना मैं एक चीज बता रही हूँ तेरे को, ठीक है। अब इधर देख बेटा, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, मतलब हम समझ गए तू टची हो गया, थोड़ा सेंटी हो गया, बट ठीक है इतना भी नहीं होना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, बेटा हमें जो है अपनी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ानी है ना। अब देखो नहीं तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी वर्ल्ड में, वर्ल्ड में लोग हंसेंगे हमारे ऊपर कि बेटा 70% कैटल को लेकर 25% का प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, तो मतलब समझ लो ना अपनी नाक भी बचानी होती है कंट्री को कभी कभी, है ना। तो बच्चा सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, सबसे पहले तो हाई पोटेंशियल ब्रीड को सेलेक्ट करना पड़ता है, सुपीरियर ब्रीड को सेलेक्ट करना पड़ता है। सुपीरियर देख रहे हो यहाँ पर भी सुपीरियर बना दिए हमने, है ना। तो सुपीरियर ब्रीड को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें भी एक विदेशी होती है जिसको एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं और एक होती है बच्चा इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब कतई देसी, है ना। तो एक है बेटा देसी, एक है बेटा विदेशी, तो विदेशी क्या होगी हमारी आंटी होगी, और जो इंडिजिनस मतलब जो देसी है वो हमारी माता है, गाय हमारी माता है, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट सुना था टीवी पे, है ना। तो जो एग्जॉटिक है वो फॉरेन ब्रीड होती है, तो ये हमारी आंटी है, ठीक है। तो ये जो गाय दिखेंगी तुम लोगों को ये फॉरेन ब्रीड वाली नॉन हम्प्ड वाली होती है, जिनका हम्प नहीं होता, हम्प समझ रहे हो ना, ऐसा कुबड़ा नहीं निकला होता जिनका, ठीक है, ऊपर से कुबड़ा नहीं निकल रहा होता, बॉस टॉरस इनको बोलते हैं। तो बच्चा इनका साइंटिफिक नेम आंटियों का होता है बॉस टॉरस, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम क्या है आंटी का, हाँ बॉस टॉरस है, ठीक है, ये विदेशी आंटियां हैं सारी, है ना। तो जैसे अभी हमारा एक बच्चा बोल रहा था मैम जर्सी हम नहीं यूज करेंगे, हाँ तो बेटा जर्सी भी एक गाय है, उसके अलावा होल्स्टीन है बच्चा, एब्सोल्युटली होल्स्टीन फ्राइजियन इसका नाम होता है ना। तो ये सारे जो है हमारी आंटियां हैं, ये सारी विदेशी आंटियां हैं, समझ रहे हो। आयरशायर, तो यहाँ पर आयरशायर भी एक विदेशी ब्रीड है बच्चा, ब्राउन स्विस भी एक फॉरेन ब्रीड है, तो समझ रहे हो ये सारी हमारी आंटियां हैं। तो बेटा बता दो कि हमारी माताएं कौन कौन सी हैं, तो बच्चा यहाँ पर हमारी माताओं को बोलते हैं बॉस इंडिकस, ठीक है। तो माता का नाम क्या है बच्चा बता दो जल्दी सारे, बॉस इंडिकस, इंडिका मतलब इंडिया। तो देख रहे हो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो है
अब ये सारे बोल दो आई लव माई इंडिया, तो मतलब किंग जॉन जो है बहुत ऑफेंड हो गए थे, बेटा ये ले, ये हमने माताओं का नाम भी लिख दिया, ठीक है, तो हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हम सबको ब्यूटी। हाँ, तो ये जो आंटियां होती है इनका जो होता है हम्प नहीं होता, इनका कुबड़ा नहीं निकला होता, लेकिन हमारी वाली माताओं का कुबड़ा निकला होता है। तो बेटा कैसे पहचानोगे कि ये आंटी है या ये माता माता वाली गाय है? तो बेटा यहाँ पर देख लेना, जिसका कुबड़ा हुआ वो हमारी माता है, जिसका कुबड़ा नहीं होगा तो मतलब हमारी आंटी है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा इंडिजिनस काउ, दो तरह की हम पढ़ेंगे, एक मिल्च होती है, मिल्च मतलब जो मिल्क देती है, ठीक है, इनकी काउ गुड मिल्क प्रोड्यूसर होती है, तो ये गुड मिल्क देती है, गुड मिल्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ पर इनके जो मेल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता दो जरा, यहाँ पर गिर है, यस बच्चा गिर हमारा साहिवाल है, उसके अलावा यहाँ पर रेड सिंधी है, ठीक है। तो पता है बाद में हमने क्या करा, रेड सिंधी है, उसके अलावा यहाँ पर दियोनी भी होती है एक, तो यहाँ पर बाद में आंटियों को और जो माता जी हमारी उनका ब्रीड भी करवाया हमने, उनको क्रॉस ब्रीड करवा कर दोनों की एक बेस्ट हाइब्रिड बनाया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जो कि जिससे हम बोलते रहे आई लव माई इंडिया, तो मतलब दोनों ने आपस में क्या कर लिया, मेटिंग करके हमारा जो है एक हाइब्रिड कजिन बना लिया है। तो समझ रहे यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने शादी कर दी इंडियन से, मतलब ये समझ लो, है ना। ड्रॉट ब्रीड्स होते हैं बच्चा, जो कैसे होंगे ड्रॉट ब्रीड्स में, ड्रॉट ब्रीड्स होते हैं जिनका जो बुल होता है वो काफी काम काजू होता है ना, बुल्स आर गुड वर्किंग, है ना, गुड वर्कर्स होते हैं, इनको हम खूब सारा बोझा दे सकते हैं कि बेटा उठाओ और जल्दी काम करो, है ना, गुड वर्कर्स होते हैं बच्चा, इनको फील्ड में यूज करा जाता है, लेकिन इनकी गायें बिल्कुल किसी काम की नहीं होती, अच्छा मिल्क नहीं देती। तो कौन कौन होते हैं, जैसे मालवी हो गया, उसके अलावा बच्चा नगेरी हो गया, हलिकर हो गया, है ना, कांग्रेज एक होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें इनमें सारे अंकल तो अच्छे हैं लेकिन आंटियां किसी काम की नहीं है, अच्छा मिल्क नहीं दे रही है। और जो तीसरा तीसरी टाइप की हमारी इंडिजिनस काउ होती है बच्चा, वो होती है जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी मतलब इनकी काउ भी मिल्क देती है, काउ भी अच्छी होती है, आंटी भी अच्छी है यहाँ पर, और हमारी जो है बुल भी जो है वो काम काजी होते हैं, तो मतलब दोनों ही काम काजी है यहाँ पर, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चा, हरियाणा नाम है, ठीक है, हरियाणा गाय का नाम है, उसके अलावा यहाँ पर अंगोल एक नाम है, उसके अलावा यहाँ पर कांकरेज भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कांकरेज भी एक नाम है, उसके बाद यहाँ पर थर पार्कर है, तो ये सारे के सारे अच्छे हैं, मेल्स इनमें मेल्स भी काम के हैं, फीमेल भी काम के हैं, ठीक है। तो अंकल भी दूध देते हैं मैम, नहीं नहीं बच्चा, अरे शेर सिंह कैसी बात कर रहा है यार, ठीक है। तो अंकल जो है बेटा वो खेत में हल भी तो चलाएंगे, है ना, और यहाँ पर बच्चे भी तो पैदा करने में अंकल भी तो आएंगे, तो बस ये सारे काम होते हैं अंकलों के, है ना, तो मतलब बुल्स इसी काम के आते हैं। उसके बाद कैटल्स हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर, देख रहे हो, कतई उनको वेल लुक भी बताना है, मतलब उनका भी थोड़ा, उन्हें भी थोड़ा स्मार्ट दिखना है भाई। तो यहाँ पर समझ लो, दूसरी गाय को इम्प्रेस करना है, दूसरे अंकल को इम्प्रेस करना है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छा दिखती है आंटियां, है ना, और अंकल भी, तो इनको बहुत अच्छे से ग्रूम करना पड़ता है, इनको अच्छे से घर देने पड़ते हैं, देख रहे हो कतई इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, कहते हैं बेटा पाल रहे हो तो कम से कम अच्छी चीजें तो दो हमें, है ना, तो डिमांडिंग हो गए आजकल सारे। उसके बाद देखो, इनको प्रॉपर पानी चाहिए होता है, प्रॉपर बच्चा डिजीज फ्री एनवायरमेंट देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गाय को खाना खिलाते हैं वो ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक साइंटिफिक मैनर के थ्रू इनको क्वालिटी क्वांटिटी फोडर मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बेचारों को भूसा ही भूसा खिला दिया, खाली पेट भर दिया, प्रोटीन के नाम पर उनको धब्बा दे दिया, है ना, तो वो कहेंगे अबे क्या कर रहे हो, ठीक है, ढंग का खाना तो खिलाओ कम से कम, बेटा डिमांडिंग है तभी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, नहीं तो बेटा कहेंगे निकलो पतली गली से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इनके खाने में दो चीजें होती है, एक होता है बच्चा भूसा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनको बड़े साइंटिफिक वे में बनाया जाता है, तो भूसा मतलब होता है ऑब्वियसली रफेज, रफेज होता है बच्चा इनका पेट भरने के लिए, तो जो इनका खाना होता है उसमें रफेज होता है पेट भरने के लिए, और कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं इनके प्रोटीन वगैरह न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, तो न्यूट्रिटिव जो चीजें होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू इनको मिलती है बच्चा यहाँ से, कॉन्सेंट्रेट से और रफेज से सिर्फ इनका पेट भरता है, ठीक है। उसके अलावा इनको बेटा साफ सुथरा एनवायरमेंट देना पड़ेगा, इनको हाइजीन कंडीशन देनी पड़ेगी, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकी मिल्किंग के लिए स्टोरेज ट्रांसपोर्ट सही तो सारा सिस्टम होना चाहिए, कहीं दूध निकाल रहे हो इतना सारा और रखोगे कहाँ पर, सर पर, तो बच्चा पूरा का पूरा एक स्टोरेज
प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए दूध को स्टोर करने के लिए, उसके प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हाँ एग्जैक्टली ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर जो है, हाँ आजकल तो बेटा दूध भी एकदम आर्टिफिशियली आ रहा है ना, वो सोयाबीन का दूध निकाल कर बेच देते हैं मार्केट में, सुना है तुम लोगों ने, वो पाउडर के फॉर्म में दूध बेच रहे हैं। बताओ वो अमूल का मिल्क दो दो साल की एक्सपायरी डेट है उसकी, तो मतलब वो आजकल लोग आर्टिफिशियली कुछ भी चल रहा है ना। उसके बाद देखो बच्चा यहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, जिससे कि मतलब देखा जाए कि भैया कहीं कोई बीमार बीमार तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पता चले बीमारी बीमारी फैल गई सब में, तो हर चीजों का ख्याल रखा जाता है। इनका प्रॉपर यहाँ पर शेल्टर दिए जाते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो शेल्टर इनको दिया जाता है, जिससे कि और इसकी प्रॉपर धुलाई सफाई सब होती है ना। उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट होता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ऑब्वियसली पोल्ट्री मतलब हम क्या कर रहे हैं, चिड़ियाओं को पाल रहे हैं, फाउल्स को पाल रहे हैं, बर्ड्स को पाल रहे हैं, जो क्या देंगे यहाँ पर मीट देंगे। तो बच्चा मीट देने वालों को क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स बोलते हैं, और जो हमें एग देते हैं उनको लेयर्स बोला जाता है। तो दो तरह की बर्ड्स की कैटेगरी है, जल्दी बता दो। यस एग्जैक्टली ठीक है। क्या साइलेज इज सप्लीमेंटेड विद ऑयल केक्स मिनरल्स विटामिंस एंड द सॉल्ट? यस बच्चा एग्जैक्टली इनको ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से देखो, मैंने कहा कि जो लेयर्स होते हैं वो अंडे देते हैं, सबसे अच्छे लेयर्स को लेयर्स माने जाते हैं व्हाइट लेग हॉर्न, और ये भी विदेशी हैं बच्चे, व्हाइट लेग हॉर्न विदेशी होते हैं, ठीक है। ब्रॉयलर्स में जो सबसे अच्छी कैटेगरी मानी जाती है वो प्लाईमॉथ को मानी जाती है, ये भी विदेशी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये सारे विदेशी हैं बच्चा। देखो यहाँ पर चिकन को पाला जाता है, डक को पाला जाता है, टर्की गीज, इन सब की मीट और एग के लिए इनको पाला जाता है, ठीक है। तो पोल्ट्री का मतलब ही होता है यहाँ पर मीट के लिए पाले जाना, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कुछ होते हैं जो अंडों के लिए पाले जाते हैं, तो जो कुछ होते हैं अंडे अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मीट अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एज इन डेयरी फार्मिंग यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बच्चा, प्रॉपर सुपीरियर ब्रीड को करते हैं। तो इनमें भी एक एक्जॉटिक मतलब फॉरिन विदेशी ब्रीड होती है, तो विदेशी ब्रीड का नाम होता है गैलस गैलस। क्या होता है बच्चा, गैलस गैलस इनका विदेशी ब्रीड होता है। तो अभी मैंने दो चार नाम भी बताए, प्लाईमॉथ हो गया, जैसे ये यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा लेग हॉर्न हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है बच्चे याद रखना है कि हाँ। उसके बाद इंडिजीनस की बात करेंगे, तो इंडिजीनस मतलब हमारी देसी देसी ब्रीड है, जिसका नाम होता है गैलस इंडिकस, ठीक है। गैलस इंडिकस या डोमेस्टिकस भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर गैलस डोमेस्टिकस हमारी लोकल ब्रीड है, ये सारी देसी ब्रीड होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे असील हो गया, जैसे यहाँ पर बिरसा हो गया, जैसे यहाँ पर चित्तगोंग हो गया, ये सारे सारे इंडियन है ना। तो नाम भी देख रहे हो कैसे अच्छे अच्छे से, एकदम इंडियन वाली फीलिंग आ रही है, आई लव माई इंडिया वाली फीलिंग आ रही है ना। कड़कनाथ हो गया, गगूस हो गया, तो ये सारे के सारे इंडियन ब्रीड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ये सुपीरियर ब्रीड है बच्चा सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ब्रीड में जैसे एस्ट्रोलोप्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो सारे याद नहीं रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है उसको मैंने कहा अंडे के लिए पाला जाता है और मीट के लिए पाला जाता है। तो अंडे की प्रोडक्शन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन लाया गया, जिसको सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं बच्चा, किसके लिए, एग की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से एक तुम लोगों को पूरा एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा यहाँ पर, एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिल्वर रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर मैम, आई एम राही, क्या क्या राही। उसके बाद आई लव यू मैडम, लव यू ऑल बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनको प्रॉपर खाना भी देना होता है, इनको प्रॉपर रोशनी देनी होती है, साफ सफाई, डिमांडिंग तो ये भी कम नहीं है, ठीक है। और बेटा अगर कुछ भी चूक गया तो इनको हो जाती बीमारियां, ठीक है। तो इनकी डिजीजेस भी बहुत खतरनाक होती है, जैसे रानीखेत डिजीज के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, रानीखेत, जिसको न्यू कैसल डिजीज भी बोलते हैं। न्यू कैसल डिजीज है, ये वायरस डिजीज होता है बच्चा, जिससे बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको फाउल पॉक्स भी बोलते हैं, उसके अलावा इसको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, बर्ड फ्लू, ये सारे फाउल पॉक्स अलग है, फाउल पॉक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है बर्ड के लिए जो इन्फेक्शियस बर्ड हो जाती है, तो मतलब वो फैलाती है उस इन्फेक्शन को, बर्ड फ्लू जैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वायरल डिजीज होती है बच्चा, वायरस कॉज करता है इन सारी बीमारियों को, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखने हैं, कुछ वायरल डिजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। हाँ चमकीला, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चा सेकेंड, यहाँ पर दूसरी एक बीमारी होती है कॉकीडायोसिस। तो यहाँ पर बीमारियों के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन ये पूछता है, ये प्रोटोजोअन करता है इस बीमारी को, ठीक है। तो यहाँ पर डायरिया हो जाता है इनको, वो भी ब्लडी खूनी
खूनी डायरिया हो जाता है, खूनी लूज मोशन इनको लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआन जो होता है बच्चा, पैथोजन यहाँ पर प्रोटोजोआन होता है जो ये डिजीज कॉज करेगा। उसके अलावा यहाँ पर एनसेफेलो इनसेफेलो मलेशिया भी करता है। इनसेफेलो मलेशिया कौन करता है बच्चा? वाइटमिन ई की डेफिशिएंसी से, जिसमें इनका ब्रेन काफी सॉफ्ट हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो वाइटमिन ई की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है, ये चीज भी याद रखनी है। टिक फीवर इनमें देखा जाता है, ठीक है, पिरोसिस देखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है। दूसरे बच्चा, यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग कैसे करी जाती है वो सब हम देख रहे हैं अब, कि एनिमल को कैसे आपस में ब्रीड करवाकर एक अच्छी क्वालिटी बनवाते हैं, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग में जैसे मैंने तुम लोगों को देसी विदेशी बताए, तो उनको आपस में ही ब्रीड करके एक हाइब्रिड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने करन फ्राइज सुना होगा, तो करन फ्राइज में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली साहिवाल काउ को होल्स्टीन के साथ क्रॉस करवा दिया, तो ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, देसी विदेशी को यहाँ पर दोनों का हाइब्रिड बनवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चा यहाँ पर क्रॉस करवाना, ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग को कैसे, एनिमल ब्रीडिंग क्यों करी जाती है बच्चा? जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, क्वालिटीज को, डिजायरेबल क्वालिटीज को एक ऑर्गेनिज्म में डाल सके। तो सपोज करो एक गाय अच्छा दूध देती है और दूसरी गाय जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट ज्यादा है, तो हम दोनों के जीन को हम एक में ही डालना चाहते हैं, तो हम उनका हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइब्रिड बनाएंगे इनका, यस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा ब्रीड। यहाँ पर ब्रीड क्या होता है, ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक दूसरे से डिसेंट, मतलब सेम डिसेंट हो, रिलेटेड टू बाय डिसेंट हो, डिसेंट मतलब एक ही परिवार के हो, है ना, उनके सेम एंसेस्टर हो, या यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स उनके सेम हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जनरल अपियरेंस दिखने में सेम है, फीचर्स उनके सेम है, साइज उनका सेम है, उनका फिगर सेम है, तो मतलब यहाँ पर ये सारे के सारे सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं बच्चा यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड्स। उसके बाद यहाँ पर हम कैसे एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स पढ़ने वाले सारे, तो टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा होता है इन ब्रीडिंग, जहां पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन है टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स अगर हम देखेंगे, सबसे पहला इन मतलब होता है सेम डिसेंट के लोगों में बार बार मेटिंग करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग होता है बच्चा पहला एनिमल ब्रीडिंग का मेथड, है ना। तो ये पहला मेथड है किसका, एनिमल ब्रीडिंग का, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर पहला मेथड है ये। तो इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, मेट करवाएंगे बेटा दो एनिमल्स को, दो रिलेटेड एनिमल्स को मेट करवाएंगे आपस में। और यहां पर कितने यहां पर इनकी जो ये जो ब्रीड होती है बच्चा, सेम ब्रीड की होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपस में रिलेटेड होंगे, मतलब रिश्तेदार होंगे। इनकी 4 से 6 जनरेशन तक कोई इंडिविजुअल में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे दो एनिमल्स को हमने क्रॉस करवाया, इनके बच्चे हुए, ये देखो ये दो एनिमल्स को क्रॉस करवाया, इनके बच्चे हुए, इन्हीं के बच्चों को आपस में ब्रीड करवा दिया, फिर इनके भी बच्चे हुए, उन्हीं को आपस में क्रॉस करवा दिया। तो मतलब 4 से 6 जनरेशन तक क्या है, इनका डिसेंट सेम है बेटा, माँ बाप इनके सब सेम है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है, यस। तो यहाँ पर जो अब ऐसा बच्चे क्या होगा कि बेसिकली ये किसमें कराया जाता है, सुपीरियर मेल को चूज करते हैं, सुपीरियर फीमेल को चूज करते हैं, मतलब दोनों अच्छी वैरायटी के होने चाहिए, दोनों सुपीरियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को आइडेंटिफाई करके क्या करवाएंगे, उनकी मेटिंग करवाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बच्चे, यहाँ पर प्रोजेनी जो बनेगी मेटिंग के बाद, वो प्रोजेनी जो आएगी मेटिंग के बाद सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल से, वो काफी ज्यादा सुपीरियर होगी, वो दोनों से अच्छी होगी, या दोनों के अच्छे कैरेक्टर उस ब्रीड में आ जाएंगे, है ना, उनका नए नए बच्चे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर उनकी फर्दर मेटिंग करवाते जाएंगे, प्रोड्यूस करवाते जाएंगे बच्चों को, है ना। तो ये हमारा एम है इस पर्टिकुलर इन ब्रीडिंग से, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखो, काउ बफेलोस को हम यहाँ पर करवाएंगे ब्रीड, सुपीरियर फीमेल को चूज करा जाता है, जो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा लैक्टेशन करेगी, तो उनको चूज किया जाता है। सुपीरियर मेल कौन सा होगा बच्चा, जो सुपीरियर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा, यस। तो सुपीरियर फीमेल होती है जो मिल्क अच्छा प्रोड्यूस करे, सुपीरियर मेल वो होता है जो सुपीरियर बच्चों को पैदा करे, ठीक है। तो सुपीरियर बच्चे कैसे पैदा होंगे, जब उसके अंदर खुद अच्छे जीन होंगे, तभी यहाँ पर अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा होंगे उनके, ठीक है। तो बच्चा ये होता है सारा इन ब्रीडिंग, ठीक है। अब इन ब्रीडिंग को करते करते मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम आपस में इनको करवाते जा रहे हैं, मीटिंग करवाते जा रहे हैं, इनको आपस में ही इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर
एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इनमें सिमिलैरिटी बढ़ जाएंगी, इनमें होमोजाइगस कंडीशन बढ़ जाएंगे, तो अलील में होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सारी होमोजाइगस कंडीशन यहां पर आएगी, प्योर ब्रीड आने लग जाएगी, प्योर कैरेक्टर्स यहां पर आ जाएंगे, प्योरिटी आ जाएगी उनमें, ठीक है। तो यहां पर ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम प्योर लाइन एनिमल्स बनाना चाहते हैं। तो प्योर लाइन एनिमल्स क्या होते हैं बच्चा, जल्दी बताओ, जिसमें पुराने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ प्योर लाइन क्या होता है ना। ओके, तो जल्दी बता दो बच्चा, प्योर लाइन मतलब होता है जिनमें माँ बाप के कैरेक्टर्स होते हैं। इज इट बच्चा रीना, इज इट फाइन? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल कोरोना को, ये कोरोना कहाँ से आया था, ठीक है, तो कोरोना को लाइटली नहीं लेना। हाँ बिल्कुल सही बात बोल दी हमारे बच्चे ने, ठीक है, यस। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, प्योर लाइन होता है मतलब इनमें प्योर होमोजाइगोसिटी पेरेंट वाले कैरेक्टर आ गए, प्योर कैरेक्टर आ गए, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग का एक तो ये फायदा हो गया, तो बेटा पूछेगा कि फायदा क्या है, इन ब्रीडिंग हम करवा क्यों रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है बच्चा, प्योर लाइन हम बना सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी पूछता है, तो बेटा मेरे डिसएडवांटेज भी बता दो जल्दी से। हाँ एग्जैक्टली, जल्दी बताओ। यस पंकज, यू आर वेरी मच राइट, माँ बाप के कैरेक्टर्स इनमें आ गए, एग्जैक्टली, ठीक है। तो बच्चा जल्दी बता दो जल्दी से, यस। तो यहां पर जो है डिसएडवांटेज क्या है, तो आपस डू टेक केयर एवरीवन, कोरोना इज वेरी बैड, एग्जैक्टली। तो बच्चे यहां पर ठीक है, समझ में आ गया क्या, क्यों सेंटी हो रहे सारे आज, ये बताओ, ठीक है। अरे भाई मंजीत, क्या डिप्रेशन में आ गया तू, ये बता, ठीक है। अ रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, एग्जैक्टली बच्चा, किंग जॉन ने बिल्कुल सही बोला मैम। डिसएडवांटेज क्या है कि इन ब्रीडिंग की वजह से हार्मफुल रिसेसिव जीन आपस में आकर बीमारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चा, यहाँ पर हार्मफुल रिसेसिव जीन पास में आ जाएंगे और बीमारी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है, इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, ऐसा हो सकता है बच्चा वेरिएशन कम कर दे, कैसे, कि हम जब इन ब्रीडिंग करते जा रहे हो सकता है सारे सुपीरियर जीन आ जाएं और कुछ जीन जो है लेस डिजायरेबल जीन वो गायब हो जाए। बेटा हम नहीं चाहते कुछ चीज गायब हो, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वेरिएशन यहाँ पर गायब होने लग जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चे, याद रखना कि इसलिए हम यहाँ पर इन ब्रीडिंग करते हैं, और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हमने कहा कि अगर हम इन ब्रीडिंग करवाते रहेंगे तो ये फर्टिलिटी कम करवा देते हैं, प्रोडक्टिविटी कम करवा देते हैं, रिसेसिव जीन पास में आकर हो सकता है बीमारी कॉज कर दे, ठीक है। बीमारी कॉज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और इसके वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ब्रीड पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेसिकली देखो, ये जो ये वाली जो लाइन है इसको हटा दो, इसका मेनली कोई पर्पस नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली एक बात याद रखना, एडवांटेज में मैंने सिर्फ ये बताया कि प्योर लाइन हम बना सकते हैं, और डिसएडवांटेज इसकी याद रखना बच्चा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कर सकता है, रिसेसिव जीन जो हार्मफुल रिसेसिव जीन है अगर वो आ गए किसी बच्चे में तो उसकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब होता है बच्चा कि जब हम इन ब्रीडिंग कराते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है वेरिएशन बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, और यहां पर जितने भी हार्मफुल जीन है वो पास में आ जाए, जिसके वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और इसी को इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, ठीक है। सुपीरियर बनाने के चक्कर में पता चले यहाँ पर लल्लू ही बन गया है ना, तो लल्लू बन गया तो मतलब लल्लू की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा हमें लल्लू नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हीरो बनाना है, ठीक है। तो हीरो बनाने के लिए पता चले लल्लू बन गया तो बेटा फिर तो काम हो जाएगा खराब, तो दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो इन ब्रीडिंग होती क्या है कि जैसे ये माता पिता थे, माता पिता को हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाते गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस करवाया, आपस में इनके बच्चों को क्रॉस करवाया, तो ये सारा इन ब्रीडिंग होता है। तो इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड को क्या करवा रहे हैं, हम बच्चा मेट करवा रहे हैं, 4 से 6 जनरेशन तक उनके माता पिता कोई चेंज ही नहीं हुआ, एक ही परिवार है, आपस में ब्रीड करने पे लगे, आपस में बच्चे पैदा करने पे लगे हैं, ठीक है। तो इससे हो जाएगा बेटा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, रेसेसिव हार्मफुल जीन अगर पास पास में आ गए तो बेटा हो जाएगा ये बीमार। ये कैसा है, ये हो गया बीमार, ठीक है, और ये हो गई इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई कम, तो बेटा ये लल्लू बन गया। तो बेटा लल्लू नहीं चाहिए, हमें चाहिए हीरो, ठीक है।
तो यहाँ पर याद रखना बेटा कि जो इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग सबको समझ में आया क्या है कि यहाँ पर सेम ब्रीड है, पहला सेम ब्रीड है और इनके माता पिता भी सेम ही है, 4 से 6 जनरेशन तक आपस में ही ये ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। आउट, अब देखो बच्चा, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो मेथड है वो है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग हम किसमें करवाते हैं? अनरिलेटेड एनिमल्स, मतलब जिनका आपस में लेना देना नहीं होता, किसमें करवाते हैं बच्चा? यस, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेना देना नहीं होता उससे, ठीक है। तो आउट क्रॉस क्रॉस ब्रीड के दो अलग इंडिविजुअल्स में होगी। हाँ, आउट क्रॉस जो होता है बच्चा अनरिलेटेड इंडिविजुअल में होता है, जिनका कैसे अनरिलेटेड होते हैं जरा देखते हैं इसको, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सेम ब्रीड है तो बच्चा हम ये कर सकते हैं कि सेम ब्रीड के हैं लेकिन इनका कोई बहुत 4 से 6 जनरेशन तक कोई आपस में नाता नहीं है, ठीक है। तो है तो ये सारे, सपोज करो ये सारे के सारे एक एरिया के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके लेकिन माता पिता कहीं भी 4 से 6 जनरेशन तक इन दूसरों का इन 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 लोगों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ब्रीड हम ले रहे हैं लेकिन उनका कोई कॉमन एंसेस्टर, एटलीस्ट 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों को हम ले रहे हैं, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स को भी ले सकते हैं। डिफरेंट ब्रीड मतलब ऑब्वियसली हम ब्रीड अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो बात एक एक चीज है बच्चा, आउट ब्रीडिंग जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला होता है जब हम सेम ब्रीड को ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। पहला होता है आउट क्रॉसिंग, जब हम दो अलग ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं बच्चा उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, समझ में आया? तो वो होता है क्रॉस ब्रीडिंग। और तीसरा टाइप क्या होता है इसका? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो तीसरा टाइप है बच्चा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये है 3 यहां पर टाइप इसके, ठीक है। तो ये सारे 3 टाइप किसके हैं? ऑब्वियसली बात है आउट ब्रीडिंग के हैं, जहां पर हम एनिमल्स को ब्रीड करवा रहे हैं जिनका कोई लेना देना आपस में कुछ नहीं है, ठीक है। यस, तो इसके 3 टाइप्स हैं। तो बेटा पहला टाइप क्या है? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग मतलब ये सेम ब्रीड हैं लेकिन इनका कोई कॉमन एंसेस्टर, 4 से 6 जनरेशन तक इनका कोई नाता, कोई संबंध आपस में नहीं है, ठीक है। तो ये हम करते क्यों हैं बच्चा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, हम चाहते हैं कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है उसको ओवरकम किया जाए। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उसको पकड़ कर उसके साथ, उसी सेम ब्रीड के साथ करवाएंगे लेकिन ऑब्वियसली बात है उनका कोई नाता नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मीटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। और सिंगल आउट क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। बेटा नीट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी हुई है कि आउटकम ये यहां पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जाता है बेटा? कैसे? आउट क्रॉसिंग करके, ठीक है। आउट क्रॉसिंग क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है यहां पर सेम ब्रीड है लेकिन उनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई आपस में लेना देना है ही नहीं, तो क्यों करते हैं ये? जिससे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकें बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, अपन जानबूझ के थोड़ी करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते बेटा? ये सारा आर्टिफिशियल चल रहा है, तुम्हें क्या पता बेटा इंसान क्या क्या करवा सकता है? इंसान को बेटा अंडर एस्टिमेट मत करो, वो बहुत कुछ कर चुका है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो है बच्चा, यहाँ पर सेकंड टाइप है जो हमारा आउट ब्रीडिंग का जो सेकंड टाइप है वो क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग है। तो ये यहाँ पर सेकंड टाइप है आउट ब्रीडिंग का, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रीड का सुपीरियर मेल लेंगे और दूसरी ब्रीड को फीमेल, दूसरी ब्रीड का सुपीरियर फीमेल लेंगे। तो मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ब्रीड के हैं। ब्रीड मतलब ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पर कुत्तों की ब्रीड होती है ना अलग अलग, वैसे हमने गायों की अलग अलग ब्रीड ली है ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग से हम करवाते क्यों है? जिससे हमें दो क्वालिटीज, दो अलग अलग ब्रीड की क्वालिटी एक हाइब्रिड में ही मिल जाए। तो मतलब दो तीर, एक तीर से दो निशाने लग जाए, है ना। तो दोनों के कैरेक्टर अगर एक बच्चे में आ गए तो बेटा हमारा काम हो लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी बनेगी उसको हाइब्रिड बोलते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पर ये काफी सुपीरियर होंगे, है ना, इनमें दोनों ब्रीड के कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो हमें चाहिए थे, ठीक है। यस, तो यहां पर हिमांशी ने कहा हिजार्डेल, एग्जैक्टली बच्चा। तो जो मेनी न्यू प्लांट ब्रीड हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच, तो बहुत सारे ऐसे इस अप्रोच से प्लांट एनिमल्स बनाए गए, जैसे हिजार्डेल एक बेस्ट एग्जांपल इसका है, पंजाब में बनाया गया। किस किस को यूज करके? बिकानेरी यूज और मरीनो राम्स मेल था और फीमेल यहां पर बिकानेरी यूज, तो दोनों अलग अलग ब्रीड हैं, एक मेल है एक फीमेल है। और इन
इन दोनों को क्रॉस करवा कर इनका जो बच्चा बना, इनके बेटे का नाम क्या रखा हमने, हिजार्डेल रखा, जो कि जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर थे। लोजी कर लिया हमने, आर्टिफिशियली कर लिया सारा, है ना। नेक्स्ट है बच्चा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या समझते हो, सेम स्पीशीज के, सॉरी डिफरेंट स्पीशीज को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ तो हमने कतई आतंक मचा दिया, देख रहे हो, अलग अलग स्पीशीज को ही ले लिया। एक बेचारे घोड़े को ले लिया, दूसरे गधे को ले लिया, और घोड़े और गधे को क्या करवाया यहाँ पर, क्रॉस करवा दिया। और अब हमें क्या मिला बच्चे, यहाँ पर एक हाइब्रिड मिला, जो उसमें घोड़े के भी कैरेक्टर है और गधे के भी कैरेक्टर है। तो म्यूल क्या होता है बच्चा, जिसमें इनका पापा क्या होता है पता है, इनका पापा क्या होता है, डंकी होता है, ठीक है। और इनकी मदर होती है हॉर्स, तो इनकी माँ है क्या, घोड़ा और घोड़ी, और इनका पापा क्या है, ऑब्वियसली गधा है, ठीक है। तो इससे बनाया हमने म्यूल, ऐसी एक हमने क्या बनाया, हिनी भी बनाया। तो हिनी पता है किसके क्रॉस से बनता है, यहां पर हिनी में मेल हॉर्स होता है, तो इनका पापा हॉर्स है और मदर इसमें डंकी है, तो समझ लो मदर गधी है यहां पर, है ना। तो इस तरीके से हिनी और म्यूल इंटर स्पेसिफिक है, दो अलग अलग स्पीशीज को साथ में क्रॉस करवा कर काम कर दिया, ठीक है। अच्छा खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर बिल्कुल ये डायलॉग सुना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये मंजीत है, क्या हो गया, सब खत्म क्या हो गया, है ना। मूल होता है, म्यूल होता है खच्चर, लेकिन बेटा एक चीज गड़बड़ हो गई, पता है क्या गड़बड़ हुई, म्यूल अपना कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता बेटा, ये होते हैं बांझ, मतलब इनफर्टाइल होते हैं, स्टीराइल होते हैं, ठीक है, ये अपना कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लो जी हो गया कांड यहाँ पर, है ना। तो बच्चे यहाँ पर अब हमने देखी एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग भी पढ़ ली, है ना। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग करी कैसे जाती है। जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था कि मैम ये कैसे करवाएंगे हम जानबूझकर, तो बेटा जानबूझकर कैसे करवाएंगे, सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूल इज स्टीराइल, यस बच्चा शिवेश, क्लोजली रिलेटेड इंटर स्पेसिफिक, यस ऑब्वियसली ये स्पीशीज जो होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा रैंडम प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि सारे सारे इंटर स्पेसिफिक हम बना सकते हैं बेटा, वो थोड़े बहुत आपस में मिलते जुलते भी होने चाहिए, ऐसा नहीं तो कतई कुछ भी बना दोगे, है ना, तो ऐसा नहीं चलता है। कोइंसिडेंस क्यों डिफरेंट होता है, कोडोमिनेंस क्यों डिफरेंट है इंटर स्पेसिफिक में, मैम कोडोमिनेंस क्यों डिफरेंट है इंटर स्पेसिफिक में, मींस बच्चा मुझे समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन है, ढंग से बोलो एक बार, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर जो है ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जब हम करवाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जानबूझकर, मतलब आर्टिफिशियल हम क्या करवा रहे हैं, एनिमल ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो बेटा किस मेथड से करवाते हैं, क्या अप्रोचेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो अप्रोच यहाँ पर यूज करे जाते हैं एनिमल ब्रीडिंग के लिए। दो अप्रोचेस पता है कौन से होते हैं, तुम लोगों ने बहुत सुने भी होंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब सीमन को लेकर डायरेक्ट फीमेल में आर्टिफिशियली डाल दो, और दूसरी टेक्निक है मोइट। तो बेटा एनिमल ब्रीडिंग को कैसे दो अप्रोचेस से बनाया जाता है, पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दूसरा मैं एक नया वायरस बना रहा हूं। अरे भैया हर्ष कते ये आए आतंकवादी बच्चे, क्या तुम, एक नया वायरस बना रहा हूं, ठीक है, यस। तो यहां पर देखो क्या टोकोना वायरस, देखो जरा, मैम कैन हाइब्रिड अडैप्ट अनदर वंस एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली, आप बच्चे मतलब हाइब्रिड क्या, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तभी तो हम लोगों ने दो हाइब्रिड बनाए जिसको उस एनवायरनमेंट के लिए फिट किया जाए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक बच्चा पूछ रहा था मैम भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे क्यों, डायरेक्ट हम क्यों नहीं मेटिंग करवा सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये फायदा है कि हम मेल से सीमन को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको स्टोर कर लिया, तो स्टोर कर सकते हैं, सबसे पहली अच्छी बात तो ये है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या फायदा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, कि अगर सपोज करो हमें विदेशी गाय है, ठीक है, या विदेशी कोई मेल है, मेल गाय है, तो हमें क्या करना है, मतलब बुल है, तो ऑब्वियसली उसके सीमन लेकर आने इंडिया, तो पूरे बुल को लाने से अच्छा उसका सीमन ही लिया हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस सीमन को हम इजिली कैरी कर सकते, इजिली ट्रांसफर कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर भैंस के लिए तो पूरा एक एरोप्लेन बुक करना पड़ेगा, तो सोचो फिर वो एरोप्लेन का क्या हाल होगा, है ना। तो बच्चा ऑब्वियसली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, कि यहाँ पर
उनके सीमन लाएंगे वहां से, उस कंट्री से, तो हमें उनको धोना नहीं पड़ेगा इधर से उधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो सीमन को फीमेल के अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन से डाल सकते हैं, तो मतलब कोई हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्ट सीमन उनके अंदर डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इस फायदे हैं बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, ठीक है। तो हम क्या, और एक फायदा और हो गया कि हम डिजायरेबल सीमन को उनके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। और दूसरी जो तकनीक हम करने वाले हैं डिस्कस, तो बच्चा वो है निंजा टेक्निक, है ना, दैट इज मोइट। मोइट मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इंसान इतने में रुका नहीं, उसको सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं है, वो चाहता है कि बेटा क्या बोलते हैं, एक दिन में ही 1000 चीजें मिल जाएं उसको, तो बस उसने लग दी, उसने कहा कि मैं तो करूंगा, तो बेटा कर भी दिया। तो यहां पर मोइट टेक्निक में उसने क्या करा, सबसे पहले काऊ के अंदर बेटा एक FSH जैसा हार्मोन डाल दिया। क्या डाल दिया, FSH लाइक हार्मोन डाल दिया। तो चलो बच्चा डाल तो दिया, अब FSH का काम क्या होता है, फॉलिकल को डेवलप करना। तो पता है जैसे ही इंजेक्शन उसके अंदर गया, उसके अंदर क्या हुआ बच्चे, बहुत सारे अंडे एक साथ निकलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले एक टाइम पर एक अंडा निकलता था, एक बच्चा पैदा कर सकती थी, लेकिन अब हमने वहां भी नहीं छोड़ा उसको, हमने कहा नहीं नहीं बेटा हमें तेरे तो 1000 बच्चे चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको फॉलिकल इंड्यूस, फॉलिकल मेच्योर करवाने के लिए FSH को डाल दिया, है ना, उसके अंदर। उसके बाद जैसे ही डाला, पता है क्या हुआ, इतने सारे अंडे एक साथ निकल गए। कितने अंडे बेटा, 6 से 8 एग एक टाइम पर निकल गया, ठीक है। तो यही तो यहां पर हम चाहते थे कि एक टाइम पर बहुत सारी चीजें हमें मिल जाए, तो बेटा मिल गई, एक साइकिल में 6 से 8 अंडे इनके मिल गए, ठीक है। पहले एक ही एग निकलता था, तो ठीक है निकल गया। अब हमने क्या करा, जैसे इनके 6 to 8 एग बाहर निकले, हमने इसका क्या करवा दिया, ऑब्वियस सी बात है इनसेमिनेट करवा दिया, इसको मेट करवा दिया एक एलीट बुल के साथ, मतलब सुपीरियर बुल के साथ, या फिर आर्टिफिशियली सेमिन को, सीमन को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो सीमन भी डाल दिया, या फिर मेट करवा दो इनको नेचुरली, और इससे क्या होगा, एग को फर्टिलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 से 8 एग जो बने थे सारे फर्टिलाइज हो गए, और अब जैसे 8 से 32 सेल की स्टेज में ये आएंगे बेटा, इस मदर से हम सारे अंडों को निकाल देंगे, समझ में आया। तो ये सारे एग हमने नॉन सर्जिकली, मतलब बिना सर्जरी के निकाल दिया बाहर, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीके? उन इंस्ट्रूमेंट से इन सारे एग को, फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकाल दिया, और अब लाएंगे सरोगेट मदर, ठीक है। तो सारी सरोगेट मदर के अंदर एक एक एग हमने डाल दिया, तो एक बारी में हम कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, 6 से 8। और अब जो ये नेचुरल मदर थी, जो जेनेटिक मदर थी, वो दोबारा तैयार कर दी हमने, अगले महीने बेटा फिर से तैयार हो जा, 6 से 8 अंडे फिर से निकालेंगे तेर से, ठीक है। तो उस मदर की तो कर दी इन्होंने अच्छे से बैंड बजा दी है, ठीक है। तो बस ऐसे ही इनका काम चलता है बच्चा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, सरोगेट मदर के अंदर फिर पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा उस सुपीरियर ब्रीड हाइब्रिड का, और वो सुपीरियर हाइब्रिड फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन को, ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन हाई होगी तो हमें फायदा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करा जाता है, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, तो मतलब इंसान देख रहे हो, किसी को नहीं छोड़ रहे, कतई कतई आतंक मचा रहे सबके साथ, है ना, कि बेटा तेरे को कैसे, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा, आजा बेटा, तेरे को भी करता हूं, तेरे भी कारण करता हूं भी, ठीक है। तो जेनेटिक मदर जो है बच्चा अब अवेलेबल है दूसरे राउंड के सुपर ओव्यूलेशन के लिए, तो वो कहेगी बेटा अगले टाइम के तू दोबारा से 6 से 8 अंडे निकालेगी फिर से, ठीक है। तो उसको फिर से तैयार कर दिया। तो यहां पर ऐसी मोइट टेक्निक से कैटल बनाए गए, शीप बनाए गए, रैबिट में ये यूज किया गया, बफेलोज में यूज किया गया, मेयर्स में यूज करा गया, तो इन सब में सुपर ओव्यूलेशन करी जा चुकी है। तो इंसान ने देख रहे हो बेटा किसी को नहीं छोड़ा है ना, मैम जानवरों के साथ बुरा होता है, तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। तो ऐसे बुरा तो सब चीजों के साथ, एनवायरमेंट के साथ कितना बुरा हो रहा है ना, तो उसको खोद खोद कर हम सब चीजें हटा हटा कर अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं ना। तो डेवलपमेंट विकास के नाम पर देखो विनाश कितना हो रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं बताओ। और इतने लोग बढ़ गए तो बेटा खाना तो चाहिए उनको, नहीं तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, है ना। तो बच्चा यहाँ पर देखो, हाई मिल्ड यील्डिंग ब्रीड ऑफ द फीमेल्स एंड द हाई क्वालिटी। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि जो फीमेल ज्यादा ज्यादा दूध निकाले, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, और बेटा जो बुल होता है ना उसको मीट के लिए यूज करा जाता है, उसकी मीट बनाई जाती है। तो हमें पता है कि बहुत सारी जगह पर मीट खाई जाती है, किसकी, इनकी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इनका ये फायदा होता है ना।
तो बच्चा ये सारी चीजें याद, तो ये बिल्कुल एकदम क्विक चल रहा है, सारी चीजें जो तुम लोगों को याद रखनी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चैप्टर का पूरा रिवीजन भी करना है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चा, उसके अलावा कुछ बीमारियां इनमें होती हैं, जैसे अगर हम इनकी डिजीज देखेंगे तो एंथ्रेक्स सबसे फेमस काफी क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है। ये इनका रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कॉज करता है, बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो बच्चा कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? बेसिलस एंथ्रेसिस ये वाला कॉज करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में काफी बार, ठीक है। उसके बाद ये काफी हाईली कंटेजियस होता है, बहुत फैलता है बेटा, जैसे कोरोना फैल रहा है ना, बस वैसी मतलब थोड़े कम स्पीड से फैलेगा लेकिन फैल जाएगा सब में, इंसानों तक भी फैल जाता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मेस्टाइटिस है, तो बच्चा मेस्टाइटिस, आइटिस मतलब इन्फेक्शन होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो मेस्टाइटिस पता है कौन करता है? एक पैथोजन, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। क्या होता है बच्चा? कॉर्नी बैक्टीरियम पायरोजेंस होता है उसका नाम। तो ये क्या करता है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये डिजीज कॉज करेगा मेस्टाइटिस, जिसमें मेमोरी ग्लैंड का इन्फेक्शन, अडर मेमोरी सेल को अडर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी और अडर सेल में कर देगा बीमारी, है ना, इन्फ्लामेशन कर देगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाता है उसके अडर मेमोरी सेल में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा तीसरी एक बीमारी के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछता है, रिंडर पेस्ट के बारे में, और यहाँ पर कैटल प्लेग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायरस डिजीज कॉज करता है बच्चा, और ये काफी ज्यादा फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। तो ये जो है वायरल डिजीज है इसके केस में, वायरल डिजीज, रिंडर पेस्ट वायरस इसको करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है यहाँ पर इसके बारे में, गाय के बारे में, कैटल्स के बारे में जो बीमारियां इनको होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा बी कीपिंग। बी मतलब हम ऑब्वियसली हनी के लिए मधुमक्खियों को पाल रहे हैं, ठीक है। उसी को एपीकल्चर भी बोला जाता है, एपी मतलब मधुमक्खियों को पालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हनी हमें मिलता है, वैक्स हमें मिलता है, तो वो हनी और जो वैक्स मिल रहा है बच्चा, उसको कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने पीने के जिसमें ये यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो हनी काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें होती है। इंडिजिनस मतलब होता है बच्चा पुराने मेडिसिन सिस्टम में, पुराने जमाने में इसको मेडिसिन के लिए काफी यूज किया जाता था। बी वैक्स से हम कॉस्मेटिक पॉलिशेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर जो है हनी की डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा स्केल में, तो अब हमने क्या करा, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत एक इंडस्ट्री सेटअप करने लगे। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप हो गई, मधुमक्खियों को पालकर उनका भी शोषण करना शुरू कर दिया हमने, है ना। तो मधुमक्खियों को कहा बेटा तुम भी भिन भिन करो, हम तुम्हारा अब सारा खून चूसेंगे, है ना। तो उनका सारा प्रोडक्ट चूसने पे लग गए हम लोग, है ना। तो हमें पता है भाई कि यहाँ पर जो बी को पाला जाता है वो बेसिकली कुछ कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर ही, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाला जाता है, मेनली जहां पर वाइड शर्ब हो, ठीक है। तो बी पैश्चर्स ऑफ सम वाइड शर्ब, फ्रूट और ऑर्किड्स होते हैं, और यहाँ पर कल्टिवेटेड क्रॉप्स के आसपास इनको रखा जाता है, जिससे कि ये पॉलिनेशन भी करें और ऑब्वियस सी बात है हमें हनी भी दें। तो जितना पॉलिनेशन करेंगे, जितने फ्लावर्स होंगे आसपास, तो उतना ज्यादा जूस मिलेगा इनको, जितना फ्लावर जूस मिलेगा उतना ये क्या करेंगे बच्चा, उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे हनी को, है ना। तो मतलब यहाँ पर हम जब बी कीपिंग करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, ठीक है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाली जाती है उसका नाम एपिस इंडिका है बच्चा, ये इंडियन बी है, ठीक है। एक और जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाली जाती है वो इटालियन बी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेलिफेरा। इटालियन बी का नाम क्या है बच्चा? एपिस मेलिफेरा है। मेलिफेरा सबसे ज्यादा पूरे देशों में पाली जाती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो कॉमनली देखी जाती है वो एपिस इंडिका ही होती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाल सकते हैं इसको? कोर्टयार्ड में पाल सकते हैं, जैसे बाहर किसी का है कोई फार्म वगैरह, बरामदे में, है ना, वरांदा, उसके बाद रूफ में हम इसको पाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसपास काफी अच्छी क्रॉप होनी चाहिए, जिससे क्रॉप का पॉलिनेशन भी हो जाए और खूब सारा इनको जूस भी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बी कीपिंग कभी भी लेबर इंटेंसिव नहीं होता, बहुत लेबर की जरूरत नहीं होती है, बस तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए नेचर के बारे में और बीज के बारे में, फिर तो मजे से हनी निकालोगे, है ना। तो बच्चा यहाँ पर नेचर और उनके उनके हैबिट के बारे में पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बेटा कहाँ पर उनको लगाना है उनका छत्ता, है ना। कैचिंग आनी चाहिए, उनके ग्रुप को बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स किया जाता है, ठीक है। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ बी करना होता है, तो ये सब जिसको टेक्निक आती है वो यहाँ पर हनी भी बना सकता है इजिली, ठीक है।
बीज आर यहाँ पर पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ अवर क्रॉप स्पीशीज सच एज सनफ्लावर, ब्रैसिका, एप्पल, पियर. तो बच्चा यहाँ पर बीज जो होते हैं वो बहुत सारे क्रॉप में पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं, और ये सारे फ्लावर्स तुम लोगों को याद भी रखने हैं, प्लांट्स याद रखने हैं, ठीक है. तो ये सारी प्लांट में बीज पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर यस लीवर लेबर इंटेंसिव नहीं है, इंपॉर्टेंट. यस, तो यहाँ पर क्या होता है लेबर इंटेंसिव, मतलब कोई लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इनको पालने के लिए, ठीक है. और लास्ट है बच्चा पिजिकल्चर. तो पिजिकल्चर में क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर फिश को पाला जाता है, फिशरीज को ही आप पिजिकल्चर बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर फिश को रियर करा जाता है, रियरिंग केयरिंग करी जाती है फिशेस की. और बच्चे यहाँ पर अगर हम एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स को यहाँ पर सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश, अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ये एक्वा कल्चर का पार्ट होता है. तो याद रखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है. एक्वा कल्चर मतलब एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स सब है ना, क्या है नलायकों, ठीक है. तो बच्चे यहाँ पर मौज कर दी. अरे भाई क्या, आज तो हम लोग एनिमल्स को ही पालते रह गए हैं ना. तो उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चे, हमारी बहुत सारी जनता है इंडिया की जो फिश को और फिश के प्रोडक्ट पर काफी ज्यादा डिपेंड है. तो कौन कौन खाता है मछली जल्दी बताओ, प्रॉन्स, क्रैब, कौन खाता है ये सारे सी फूड, एडिबल ऑयस्टर एक्सेट्रा, ये सारे खाने खाते हैं और रिच सोर्स है बेटा प्रोटीन के, है ना. तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जल्दी बताओ कौन खाता है यहाँ पर मछली, जल्दी मछली कौन खाता है यहाँ पर. पिछले संडे देखो जरा, मंजीत कह रहा है पिछले संडे खाई थी मैंने रोहू, है ना. इनलैंड और मरीन फिशेस, यस इनलैंड फिशरीज मतलब फ्रेश वाटर में रहती है कटला, रोहू, कॉमन कार्प. और मरीन फिशेस होती है बच्चा हिल्सा, सार्डिन, मैक्रेल. में मैंने कहा था ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफी रिच सोर्स मैक्रेल होता है, पॉम्फ्रेट हो गया, ठीक है. तो मतलब मछलियों के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं हम लोगों को, पता है क्या क्या फायदे, हमें खाना भी मिल रहा है, प्लस यहाँ पर उनसे तेल भी निकाल देते हैं, प्लस उनकी जो स्केल्स होती हैं उससे हम क्या करते हैं, उनसे हम पर्स वर्स बनाते हैं मस्त करके एकदम, है ना. तो देख रहे हो यहाँ पर कैसे किस तरीके से हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर यूज करते हैं मछलियों को, है ना. उसके बाद उसके अलावा पॉलिशिंग वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है इनके बहुत सारे प्रोडक्ट, इनके ऑयल निकाले जाते हैं, ठीक है. तो बच्चा ये सारे हैं, इनके स्केल्स टेस्ट से भी यहाँ पर कपड़े वपड़े या फिर लेदर के बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं इनकी इनकी स्किन से, स्केल से, ठीक है. उसके बाद देखो बच्चा यहाँ पर फिशरीज इंडस्ट्री भी काफी फ्लरिश कर रही है, फार्मर्स को काफी फायदा यहाँ पर होता है. और जब यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन उसको कहा जाता है बच्चा, जब यहाँ पर मछलियों की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया था. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, जब प्लांट को बढ़ा दिया गया था, ठीक है. तो प्लांट की इंक्रीज करी प्रोडक्शन, तो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन. ब्लू मतलब होता है पानी से रिलेटेड एनिमल्स को जब बढ़ा दिया गया. सिल्वर मतलब अंडे. और व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे जल्दी बताओ. व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब क्या समझते हो, यहाँ पर मिल्क के प्रोडक्ट बढ़ा दिए गए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया, ठीक है. तो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है बच्चा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है. तो जल्दी बताओ कौन है, जल्दी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, यस जल्दी से बताओ बच्चा. एग्जैक्टली, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर एक ही है, वो है यहाँ पर वी क्यूरियन उनका नाम है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है बच्चा इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है, जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया था. अमूल दूध पीता है इंडिया, तो यहाँ पर इन्होंने पूरी वो क्या बोलते हैं ये सेटअप लगवाया था, ठीक है. तो ये पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, एक सोशल इंडस्ट्री है जहां पर कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये पूरी यूनिट बनाई थी, ठीक है. तो वी क्यूरियन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर होते हैं, ठीक है. तो ये चीज याद रखनी है, दैट्स ऑल. तो बच्चा ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन आज एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है. तो इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें तुम लोगों को याद भी रखनी है, ठीक है. सो यस, जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड फोकस्ड अमूल दूध पीता है इंडिया एक्सेप्ट सुरंजना, अच्छा वैसे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता दूध, ठीक है, लेकिन पीना चाहिए बच्चा. मेरे को तो मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, एकदम वॉमिट वॉमिट होने का मन कर जाता है, तो इसलिए मैं पीती नहीं हूँ, ठीक है. लेकिन तुम लोग पिया करो जिसको नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम, है ना. तो मैम पहले बोला मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, एग्जैक्टली, ठीक है. हाँ बिल्कुल दिव्यांशु तुमने बोला, ठीक है. रेस के मैदान में बाजी मार लेता आगे आगे बढ़ता है इंडिया, हाँ देखो जरा अनुष्का बोल रही है आगे भी इसको कंप्लीट कर दिया, भूख लग गई मैम. तो बिल्कुल शेर सिंह अब जाकर एकदम अपने क्या हंट, अच्छा शेर सिंह एक बात बता, तो क्या वो उसके लिए निकलता है शिकार के लिए या फिर घर पे. मैम आप आओगी या नहीं शाम को, कहाँ बेटा कहाँ आना है शाम को, 6 बजे बिल्कुल बच्चा 6 बजे मिलेंगे हम लोग, ठीक है.
6 बजे काफी बच्चों ने कहा था कौन सा टॉपिक हम ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन वाला पहला यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो जो जो यहाँ पर देखो सारे टीचर्स एनसीईआरटी हाइलाइटर्स करवा रहे हैं, उसके अलावा सारे के सारे वन शॉट करवा रहे हैं, तो जो जो चैप्टर्स बच रहे हैं ट्वेल्थ से अब सारे चैप्टर्स मैं लूंगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बच जाएंगे या फिर जो भी तुम लोगों को बोले, जैसे इकोलॉजी का तुम लोग बोल रहे थे तो उसको भी हम लेंगे और बहुत ही इजिएस्ट वे में लेंगे, एकदम शॉर्ट वे में 40-50 मिनट की वीडियो बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो जिससे तुम लोगों का एक फटोफट रिविजन हो जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। फ्रेश वाटर फिशरीज, यस यस एग्जैक्टली बच्चा इलियाना, है ना, मैक्रेल वगैरह होता है, ये मरीन फिशेज है एब्सोल्युटली, ठीक है। तो चलो बच्चे ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिन भी बच्चों को स्ट्रक्चर्ड फोकस कोर्स चाहिए, खूब सारा स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट चाहिए, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट के साथ जिनको काम करना है बच्चा, यस दे कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। वैसे तो दिस इज फॉर 10,000, लेकिन यस यहाँ पर जो है आरएमसीसी कूपन कोड के साथ यू कैन अवेल 3,000 का डिस्काउंट, तो 7,000 का ये कोर्स मिलेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बच्चा, यू कैन जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द क्रैश कोर्स। जिसको नहीं करना उसके लिए सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर अवेलेबल भी है, तो सारे टीचर्स हैं बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो डोंट वरी, ठीक है। इंडिया के बेस्ट टीचर 120 सेशन में बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फोकस्ड वे डाउट क्लासेस के साथ। तो मतलब ये होगा कि हाँ हर समय तुम लोगों के पास कोई ना कोई डाउट सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो जैसे डाउट आया वैसे पूछ लो, एंड सबसे बेस्ट है कि अगले दिन जब सारे डाउट क्लियर करके जाओगे तो सारी चीजें समझ में भी आएंगी क्लास में, है ना। उसके बाद यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर 8 से 11 बजे तक ये डाउट क्लासेस लेते हैं, उसके बाद 10 फुल टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट में तुम लोगों को क्या होगा, एग्जाम रेडी ये करेगा, तो जिससे एकदम एग्जाम में सारा कॉन्फिडेंस और मार्क्स तुम लोगों के बूस्ट अप हो सके। तो एक 22 मार्च को शुरू हुआ, 7 को खत्म हो रहा है, स्टार्ट 5 अप्रैल, 17 जुलाई को खत्म हो रहा है, और बच्चा 12 अप्रैल वाला जो है 24 जुलाई को खत्म होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये सारे इसमें सेशंस हैं और यहाँ पर पीसीबी कवर करवा रहे हैं, तो 12 अप्रैल वाला यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स बच्चा, तो यस इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो 30% डिस्काउंट आरएमसीसी कूपन कोड के साथ। और यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहां से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स में। लास्ट में बच्चा सारी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली बात है ये लिंक, ये वाली जो वीडियो की लिंक दी हुई है वो नीचे इस वीडियो के नीचे भी सारी लिंक है, तो यहाँ पर ये सेम डिटो लिंक को जब प्रेस करोगे तो यू विल रीच देयर, एंड ऑब्वियसली यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। एंड बच्चा यस सब्सक्राइब द चैनल, जो भी प्यारे नए बच्चे हैं शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। एंड मैम आज एक शॉर्ट में हो गया मैम पूरा चैप्टर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैम यहाँ क्या मैं तो अभी आया, तो बच्चा ये वन शॉट में करवाने का यही मतलब होता है कि देखो तुम लोगों का एक क्या बोलते हैं पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको पूरा ब्रशअप हो जाता है, तो जितनी चीजें तुम लोगों ने पढ़ी है कि सारी याद आ जाती है, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। तो मतलब वन शॉट का मतलब ही यही होता है कि सारी चीजों को तुम लोगों को एक बार याद करवा देना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर सारे जो टॉपिक्स चलते हैं वन शॉट में बिल्कुल उसमें सारी प्रॉपर वही चीजें होती हैं, ठीक है। तो लव यू ऑल बच्चा, आज बोला नहीं, व्हाट्सअप मैम, व्हाट्सअप ब्रो, आई एम गुड बच्चा, कैसे हो सारे, अभी बाकी हैं चैप्टर्स ना। यस बच्चा प्लांट ब्रीडिंग का और बचा हुआ है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री हमारा पूरा हो गया, प्लांट ब्रीडिंग और है, प्लांट ब्रीडिंग को भी जल्दी से करेंगे, 30-40 मिनट का वो टॉपिक है, ठीक है, तो उसको भी जल्दी से फास्ट करेंगे। लव यू ऑल बच्चा, लव यू सरंचना मैम। जर्सी काउ का मिल्क कार्सिनोजेनिक होता है बच्चा, किसने बोला दिवांशु मैम, खाना खा लिया आपने, नहीं नहीं बच्चा बिल्कुल खाना है रस्टी, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं बच्चा, जाओ तुम लोग खाना, डिड नॉट लुक टुक लैक कल्चर बच्चा, लैक डिड नॉट टुक द लैक कल्चर कौन सा वाला मैम, एलाइजा एंड मोनोक्लोनल, बिल्कुल विनीता मैंने ये बिल्कुल नोट कर लिया, इसको हम कल करेंगे या परसों पक्का हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने डाला हुआ है अपने शेड्यूल में, तो डोंट वरी, ठीक है। तो इसको भी लेकर आ रहे हैं बिल्कुल विनीता ये, और जिन बच्चों ने इकोलॉजी कहा था तो देखो मैम ने वैसे स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी हाइलाइटर, लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में सारा एक बार रिवाइज कराएंगे, अब एक शॉर्ट वन शॉट में सारा 30-40 मिनट के अंदर इकोलॉजी के एक एक चैप्टर को हम लोग बिल्कुल वन शॉट में करेंगे, ठीक है। मैम आपने मेरे को इंस्टा पर फॉलो क्यों नहीं किया, अरे भैया शेर सिंह फॉलो क्यों नहीं करा, अच्छा जी मैम बाय करो ना, बिल्कुल बच्चा बाय बच्चा, साक्षी बाय, विनीता मेहनाज थैंक यू सो, थैंक्स अ लॉट बच्चा, लव यू ऑल। तो मिलते हैं 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे हम लोगों का पूरा एक चैप्टर वन शॉट में हम लोगों ने करना है, चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला है, ठीक है। तो चलो बच्चा बाय, मिलते हैं, तुम लोग भी खाना खाओ। अब प्लाज्मोडियम, दिव्यांशु मैंने नोट कर दिया, बिल्कुल प्लाज्मोडियम वाला एक वन शॉट में ही करेंगे हम लोग, ठीक है। यस बच्चा सी यू एलियाना, बाय मैम आपकी इंस्टा
आईडी क्या है, ये बच्चा मेरे नाम से ही है, ठीक है, टेक ख्याल, हाँ बिल्कुल टेक ख्याल बच्चा, मिलते हैं सबसे, ठीक है, लव यू ऑल, एंड बच्चा लेट मी जस्ट एंड दिस सेशन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, तो जल्दी से बाय कर दो यहाँ पर, और इस तरीके से जिसने लाइक नहीं करा ये लाइक भी करना है, ठीक है, तो चलो बच्चा यहाँ पर जल्दी से बाय करो जिससे हम लोग इसको एंड करें, तुम लोग जाके मलेरिया साइकिल बिल्कुल लव्ड अप मलेरिया साइकिल पर करेंगे, हाथ धोते रहो बिल्कुल बच्चा, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लाइटली मत लो अब इसको, ठीक है, अंदर बैठ जाओ अच्छे से और अननेसेसरली बाहर मत निकलना, तो लेट मी जस्ट एंड द सेशन नाउ, ठीक है, तो बाय जल्दी, तो चलो फिर।